हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, ग्रेवी से बनने वाली रेसिपी क्रीम मलाई टिक्का। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम रेस्टोरेंट में क्रीम मलाई टिक्का कैसे बनाते हैं। क्रीम मलाई टिक्का बनाने के लिए आपने लेना है चिकन मलाई टिक्का, कम से कम 6 पीस, और उसको रखिए ऐसे सीख से निकाल लेना है, देख रहे ना आप इस तरीके से। और चिकन मलाई टिक्का कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, इसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो हमारे फैमिली मेंबर नए आए हमारे चैनल पे, उनको एक चीज बता दूं कि जितनी भी ग्रेवी है सबके वीडियो मैंने बना के दिखाए हुए, अगर आपने नहीं देखे तो आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके देख लें। आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं कि शेफ चौक मसाला कैसे बनाए, व्हाइट ग्रेवी कैसे बनाए, येलो ग्रेवी कैसे बनाए, तो सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहां जाके देख लें, देखना जरूरी है ताकि आपको आसानी हो जाए बनाने में। अगर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाना है आला कार्ड स्टाइल में, तो आपको इन ग्रेवियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, इनके बिना आप आला कार्ड स्टाइल खाना नहीं बना सकते, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपने लेना है एक पैन, पैन के अंदर आपने डालना है 2 टेबल स्पून देसी घी, और आपने इसमें डालना है ये देखिए 1 पिंच कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद आपने इसमें डालना है ग्रेवी, वाइट ग्रेवी 2 लीटर यानी के 300 ग्राम आपने ग्रेवी डालना है, और ऐसे ही देखिए इसको चलाया अच्छी तरीके से, हल्का सा गर्म कर लिया, उसके बाद गैस बंद। आपने इसमें डालना है खोया, कम से कम 40 ग्राम खोए को पहले मसल लें, उसके बाद अगर आपको लगे कि इसमें पानी की जरूरत है तो आपने पानी नहीं दूध डालना है 1/2 कप। ये 2 चीजें डालने के बाद आपने क्या करना है, गैस चालू करना है और इसको अच्छी तरीके से पहले उबाल लेना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने और क्या क्या डालना है। जब दूध और खोया डालने के बाद आप ऐसे अच्छे से पका लेंगे ना, तो हल्की सी ग्रेवी देखिए पक जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी, और खोया भी अच्छी तरीके से गल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, गैस एकदम स्लो करना है या फिर बंद करना है, उसके बाद आपने इसमें डाल देना टिक्का, ये देखिए इस तरीके से, और 2 पिंच वाइट पेपर, 1/2 से 1/2 टीस्पून नमक, इस टाइम पे भी थोड़ी सी मेथी डालें कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून हनी, 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, कम से कम 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, कम से कम बता रहा हूँ, और हमारा होटल वालों का फेवरेट ये बटर, और आपने इसमें डालना है 2 पिंच इलायची पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने गैस चालू करना है और इसको अच्छी तरीके से पकाना है, मतलब कसना है खूब बेहतरीन तरीके से। अब आप जितना अच्छे से पकाएंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट निकल के बाहर आएगा, मतलब बहुत ही मजेदार बनेगा और चिकन आपके मुंह में गल जाएगा, मतलब आपको इतना मजा आने वाला है ना जिसकी कोई हद नहीं, मतलब बस। अब ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से पका लिया, ग्रेवी एकदम कस चुकी है, एकदम बढ़िया चमक आ चुकी है, देख रहे ना आप, और ऐसी गाढ़ी हो गई है। आपने भी ऐसे ही कसना है, जितना कसेंगे उतना ही बढ़िया बनेगा, देखिए मजेदार। एक बार आपने इसको टेस्ट करना है, अगर आपको आपके टेस्ट के हिसाब से कुछ कम लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट है। अब ये है पिकअप। पिकअप करने से पहले एक ही बात कहूंगा, अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगता है आला कार्ट में खाना कैसे बनाए, तो आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ये देखिए वेरी नाइस, मजा आ गया, मतलब मजा बोलते हैं ना जिसको, और बहुत ही कम मसालों वाली रेसिपी है इसलिए ये और भी अच्छी है। अब इसकी गार्निश क्या रहेगी, तो आपने इस पे डालना है थोड़ा सा देसी घी, क्रीम, रोगन, और ये हल्का सा ऐसे कसूरी मेथी, बस। अब ये है पिकअप। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है कि आपने क्या करके जाना है, करके जाएं प्लीज।